Chapter number 4, Editing in MS Paint. Learning objectives. In this chapter, you will learn how to select objects in paint, how to copy and paste objects in paint, how to cut and paste objects in paint, how to paste a picture onto paint, how to rotate or flip a picture, how to resize and skew a picture, how to set a picture as the desktop background. In the previous chapter, you learned about various tools that let you draw and color pictures. In this chapter, let us learn about some more options that make working in paint so much fun. Students, पिछले chapter में जो आपने पढ़ा था various tools के बारे में, अब इस chapter में आप भी बहुत अच्छे tools के बारे में पढ़ेंगे और एक fun होगा वो आपके लिए. और before listening this chapter, एक बात मैं कह दूँ, जब आप ये वीडियो देखें सो अपनी बुक अपने सामने ज़रूर खोलें. फॉर ख़ास तौर पर स्टेप्स जब हों तो अपनी बुक ज़रूर खोलें सामने. आवर फर्स्ट टॉपिक, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ अ पिक्चर कैन बी सेलेक्टेड इन पेंट यूजिंग द सेलेक्ट टूल्स. वी कैन देन मेक चेंजेस टू द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर. वी विल लर्न टू कॉपी, कट, रोटेट एंड डू अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विद द सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द पिक्चर इन दिस चैप्टर. लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज द सेलेक्ट टूल्स टू मेक अ सेलेक्शन. अब है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स पिक्चर्स के ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स होते हैं ना, वो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम एक सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, हम सेलेक्ट टूल से चेंज, हम उसके एक पिक्चर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, हम उसे कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं. अब हम उसकी स्टेप्स की तरफ जाते हैं. मैंने एक दफ़ा चैप्टर के शुरू में भी कहा था अपनी बुक स्टेप्स में ज़रूर खोलें. फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन होम टैब. जो स्टेप नंबर 1 है वो आपका है क्लिक ऑन होम टैब. आप लोगों ने अपनी बुक खोली होगी, उसकी लेफ्ट साइड पे एक स्पैरो बनी होगी, उसमें जो स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है क्लिक ऑन होम टैब. आप जब आपने अगर सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करने तो आप पहले क्लिक ऑन होम टैब करेंगे. स्टेप नंबर 2 आप तो जाएंगे सेलेक्ट पे. होम के नीचे एक बॉक्स बना होगा, वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी सेलेक्ट पे. जब आप वहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 आपका होगा. वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी और आपने रेक्टेंगुलर सेलेक्शन, आप कोई भी सेलेक्शन कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो मर्जी सेलेक्शन करें, आप रेक्टेंगुलर सेलेक्शन करें. आपने रेक्टेंगुलर सेलेक्शन की और फिर स्टेप नंबर 4 है हमारा. स्टेप नंबर 4 है, ये स्पैरो बन गई. दिस ये हमारा है कि हाउ टू सेलेक्ट सेलेक्ट टूल. ठीक है, दीज आर स्टेप्स. अब देखिए, यूजिंग द सेलेक्ट टूल हमने एक स्पैरो बना दी.